जस्ट अ क्विक डिस्क्लेमर, ये मैंने सामने लगाया हुआ है, मेरे दोनों हाथ मेरे पास है, सो आई एम नॉट होल्डिंग इट एंड आई एम नॉट रिस्किंग माई सेल्फ. हाय, वेलकम टू माई चैनल. इंस्टाग्राम पे ये एक स्किन केयर का पेज है, दे आर नाउ कमिंग अप विद ब्यूटी प्रोडक्ट्स एज वेल. वो वेरी फेमस इन स्किन केयर और मैंने ना बहुत सारे ऐसे रेविंग रिव्यूज पढ़े थे कि ओ माई गॉड योर प्रोडक्ट्स आर दिस, आपके प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, उतने अच्छे हैं. आई एम लाइक ओके लेट्स सी. बट होता क्या है ना कि मैं स्किन केयर की काफ़ी कोशिश करती हूँ बट क्योंकि वो टाइम नहीं मिलता है एंड ऑल ऑफ दैट अ लॉट ऑफ थिंग्स, चीज़ें प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं हो पाती और मुझे झूठ नहीं बोलना है कि यार मैंने इसको 10 दिन यूज़ किया एक दिन यूज़ करके, वो मुझे करना नहीं है. सो व्हाट आई डिड वाज मैंने एक इंस्टाग्राम पे अपना वीडियो डाला था व्हेन आई रिसीव्ड द पैकेज कि देखो मुझे मिल गया है एंड आई एम जस्ट पुटिंग इट आउट देयर इन द वर्ल्ड कि मैं अपना स्किन केयर चालू कर रही हूँ, सो दैट वो डेट से एक महीना दो महीना जितना भी लगे आपको समझ में आए कि मेरी स्किन में डिफरेंस आया है नहीं आया है या फिर मैं उसको कैसे यूज़ कर रही हूँ और हाउ इज़ इट हेल्पिंग मी एंड ऑल ऑफ दैट. या I think it's been about 2 months और बीच बीच में क्या होता है ना कि I keep going back to my mama's place, फिर मोहसिन's place, तो ऐसे आगे पीछे ससुराल मेका करते करते बीच में 2-4 दिन मेरे कई बार छूटते भी हैं. सो बट आई थिंक वो अच्छा होता है बिकॉज उससे मुझे पता चल जाता है कि वो प्रोडक्ट काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर आप कुछ रेगुलरली डेली लगा रहे हो तो आपके बहुत ज़्यादा जल्दी समझ भी नहीं आता है कि वो कितना अच्छा है कितना नहीं है. बट बीच में 2-4 दिन का गैप हो जाता है तो मुझे समझता है ओ आई थिंक पिंपल्स वापस आ रहे हैं या देर इज़ अ डिफरेंस इन स्किन टू विच यू रियलाइज कि आप बाकी चीज़ें तो नॉर्मल कर रहे थे, तो हो सकता है इसी प्रोडक्ट की वजह से कुछ डिफरेंट हुआ होगा. ओके सो बहुत हो गई बातें, आई एम नाउ गोना शो यू क्लिप्स ऑफ वन मैंने जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला था और उसके बाद मैंने छोटे छोटे 2 वीडियोस बनाए हैं उसके ऊपर जो मैंने इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी अपलोड किए हुए थे. सो इफ़ यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम यू वुड नो व्हाट प्रोडक्ट्स आई एम टॉकिंग अबाउट. 2 आई एम गोना शो यू देयर पेज एंड द अमेजिंग रिव्यूज दैट दे गेट. अगर आप उनका पेज फॉलो कर रहे हो तो आप उनकी स्टोरीज देख देख के परेशान हो जाओगे कि कितने लोगों को ये प्रोडक्ट्स कितने ज़्यादा अच्छे लगते हैं और उनका एक 1-star प्रोडक्ट है जो हर कोई मतलब इवन आई एम एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड बाय दैट प्रोडक्ट टू. मतलब वीडियो ऑलरेडी थोड़ा सा बड़ा है तो प्लीज़ बेयर विद मी बट आई रियली वॉन्टेड टू पिक अप द प्रोडक्ट इन माई हैंड एंड टेल यू गाइज कि मुझे स्पेसिफिकली कौन सी चीज़ें अच्छी लगी और क्या नहीं अच्छा लगा. ओह या आई एम टॉकिंग अबाउट ग्लैम अरोमा. मेरे पास उनके 3 स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं जो मैं डेफिनेटली वापस बाय करने वाली हूँ बिकॉज आई एम अ ह्यूज ह्यूज फैन. सो एक उनका बेस्ट प्रोडक्ट है जिसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे. फर्स्ट आई विल शो यू द 2 प्रोडक्ट्स दैट आई करंटली हैव एंड द 1 दैट आई एम प्लानिंग टू बाय जो मैंने अब तक ट्राई नहीं किया है बट मैं उसको डेफिनेटली बाय करने वाली हूँ. सो द फर्स्ट वन इज डेफिनेटली दिस ग्लोइंग गॉडेस मेकअप प्राइमर. नाउ ये सारी चीज़ें बेसिक ऑयल्स हैं जो आप फेशियल ऑयल यूज़ करते हो, ये वो चीज़ें हैं. इसके इंग्रेडिएंट्स हैं आर्गन ऑयल, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, रोज हिप सीड ऑयल, एवोकाडो, होहोबा ऑयल, ऑरेंज पील ऑयल, लेमन ग्रास एंड विटामिन ई. बिसाइड्स दैट इसमें सच में कुछ नहीं है. सो व्हेन यू ओपन इट एंड यू सी इट यू विल रियलाइज कि इसमें और कोई खुल जा सिम. ओके सो जब आप इसको ओपन करते हो तो इसकी स्मेल से और इसके इसको जब आप हाथ लगाओगे तो आपको रियलाइज होगा कि येस दिस इज प्योरली ऑयल, इसमें कुछ और मिक्स्ड नहीं है. नाउ इट डेफिनेटली वर्क एज अ मेकअप प्राइमर. मैं प्राइमर अदरवाइज बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ बट ऑफकोर्स वी नो कि प्राइमर का रीज़न क्या होता है, 2 होता है. एक तो आपके जो पोर्स होते हैं वो फिल हो जाते हैं सिलिकॉनी कंटेंट ऑफ प्राइमर एंड योर मेकअप स्टिक्स टू योर फेस वेरी नाइसली और वो ज़्यादा हिलता डुलता नहीं है, विच मीन्स कि आपको बार बार जाकर रीटच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. नाउ दिस ऑयल इज़ डेफिनेटली नॉट गोइंग टू फिल द पोर्स बिकॉज इट इज़ एन ऑयल. इट गोज़ इनसाइड योर स्किन, इट गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन योर स्किन but it definitely gives a nice sticky base for your makeup to stick और उसकी वजह से आपका मेकअप बहुत ज़्यादा हिलता नहीं है. मतलब अगेन आपको बार बार उसको रिटच करने की ज़रूरत नहीं है. एवरी टाइम आई वेयर दिस ऑयल अंडरनीथ माई मेकअप विच इज़ ऑलमोस्ट एवरी डे. क्या होता है ना कि मुझे ऑफिस जाने को आई थिंक अबाउट 45 मिनट्स 1 आवर लग जाता है. सो अंटिल आई एम रीचिंग देयर आई थिंक द ऑयल
comes out on the upper layer of the skin. I mean, it just gives my face this very nice glow. Okay, where everyone is asking me, और क्या होता है ना कि मेरा जो foundation है या मेरा pan stick है या मेरा powder है, उसको वो उतना ज़्यादा powdery नहीं रहने देता, हल्का सा creamish हो जाता है, not oily, okay, face oily नहीं होता है, हल्का सा ऐसे shine करता है, जिसकी वजह से everyone is like, oh my god, your skin has become so nice, oh my god, your skin has become, and I'm like, guys, chill, it's just makeup, तो like, Jabeen, हम तुझे 3 साल से makeup में देख रहे हैं, this is not makeup, you're doing something different, and I realize this is that different because I don't know, I hope you understand what I'm going to tell you. I'm not sure if I'm gonna keep buying the glowing goddess makeup primer simply because I'm thinking agar main dusra product jo main bhi aapko batane wali hu usi ko double kar lu to aasani hogi ya fir the one that I'm gonna try agar usko din mein use kar sakte hai so definitely I'm gonna use that so वैसे भी ये bottle mein bahut sara product hai I think isko main 2 mahine se use kar rahi hu aur ye abhi tak aadhi bhi nahi hui hai so of course jaise Instagram pe batate hai aise bhar bhar ke lagana hai utna sara main oil nahi lagati hu mera face I mean facial oil है ये इसको बस 2-3 बूंद लगाना होता है you just have to take 2-3 drops आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी how I use it but you just have to take 2-3 drops and use it you're not supposed to put it on your face like a serum the second product is my favorite second favorite it's pumpkin skin renewal night serum इसके ingredients है obviously pumpkin seed then everything else so aloe vera extract rosehip avocado jojoba oil orange oil vitamin a b and e ab iska kya hai na ki this helps in brightening smoothing and firming your skin lekin ye mere pimples pe bhi kafi acha kaam karta hai to aap dekh rahe ho ye sara jo mujhe aa raha hai na ye sara pcod ki wajah se hai It's all hormonal. So now, of course, जो अंदर से मेरी परेशानियाँ हैं, hormonal issues हैं, उसको तो ये superficial चीज़ ठीक नहीं करेगी. ऊपर से जब मैं ये लगाती हूँ ना, तो मेरे pimples, so like for example this one, I have not been putting this oil on this one, और ये एक हफ्ते से है. But अगर मैं इसके ऊपर ये लगाती, तो ये 3 दिन में चला जाता, like गायब हो जाता, without leaving a scar. Which is a big deal because अगर आप मेरे makeup videos देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे पास काफी scars हैं। तो इसको मैं regularly लगाती हूँ रात में 2 महीने से तो if I count 2 months का time तो I'm definitely sure कि मैंने इसको 1.5 महीने जितने period में तो पक्का लगाया होगा। But this is my favorite because इससे मुझे असर दिखता है कि when I'm not putting it, the pimples are not going away, the scars are not going away. But when I am putting it, my skin in the morning also feels nice and supple. And plus मुझे इसके साथ ना वो पूरी बहुत सारी skin routine नहीं करनी पड़ती है कि अब ये लगाना है, अब वो लगाना है, ऐसे है वैसे. So I just have to put like this one oil and I'm done. Like makeup remove करके ये एक oil लगा और हो जाता है. I am going to ask them if I can use this during the day as well because this is specifically night serum और अगर मैं इसको day में use कर पाऊँगी तो फिर मैं वो पहला वाला product नहीं लूँगी like for example अगर मैं इसको ही day में use कर सकती हूँ so I'll rather buy this because ये सिर्फ makeup primer की तरह ही काम करता है but I have this gut feeling कि इससे ज़्यादा होता है now if you see ये वाला product मैंने almost use कर लिया है so ये मैं बहुत ज़्यादा use करती हूँ like इसको थोड़ा सा ज़्यादा लगाती हूँ क्योंकि रात है बाहर जाना नहीं है सोना है आपके पिलो में वैसे ही सारी आधी से ज़्यादा आपकी स्किन ट्रीटमेंट चली जाती है सो यू नो इट्स बेटर टू पुट अ लिटिल मोर और मैं इसको इमिडिएटली सोने के टाइम पे नहीं लगाती हूँ 15-20 मिनट पहले तो लगाती हूँ सो दैट जो ट्रांसफ़र होना है वो सारा अच्छा प्रोडक्ट नहीं हो जाए एटलीस्ट 15-20 मिनट के लिए आधे 1 घंटे के लिए मेरे फेस पर ये ऐसे ही रहे बेस्ट प्रोडक्ट एवर जिसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा उनके व्हाट्सएप पे और यहाँ वहाँ देखा है लाइक उनका रिव्यूज़ देखा है इज़ नथिंग बट योर इंस्टा ग्लैम रोज गोल्ड मिस्ट ये मैं डेफिनेटली बाय करने वाली हूँ तो सबसे पहले अगर आप देख सकते हो तो इसमें ना गोल्ड के फ्रेकल्स हैं दैट इज सपोज टू बी 24 कैरेट गोल्ड इसमें दे हैव पाइनएप्पल And witch hazel. Now, witch hazel hydrates your skin very well. When you spritz it on your face, you get this nice witch hazel ka and pineapple ka smell. वो भी बहुत soothing है. And finally, अगर आप इसको लगाकर अपनी skin को हल्का सा massage दोगे, because ये oil नहीं है, वो ऐसे spritz करना है, water है.
तो आप ऐसे हल्का हल्का मसाज दोगे ना तो इमिडिएटली लाइक इन 2 seconds आपको अपनी स्किन है ना काफ़ी टाइट लगने लग जाती है, विच इज़ लाइक मैजिक. ओके, बिकॉज कोई भी प्रोडक्ट आपको 2 मिनट में स्किन टाइट करने का गारंटी तो नहीं देता है. सो इससे क्या होता है ना कि आपकी स्किन आपको एकदम से टाइट लगती है एंड विथ रेगुलर यूज़ इवन वेन यू हैव वॉश्ड योर फेस यू हैव नॉट स्प्रिट्स दिस ऑन योर फेस, आपने ये नहीं डाला है फेस पे, फिर भी आपको अपनी स्किन थोड़ी सी टाइट लगेगी. नाउ इसको मैं बचा बचा के रख रही थी क्योंकि मैं इसको इतना ज़्यादा यूज़ करती हूँ कि ये खत्म हो गया है, बट आई वॉन्टेड टू सेव इट फॉर द वीडियो एंड आई एम लाइक चलो मोहसिन फाइनली मैं ये वीडियो बनाती हूँ बिकॉज बहुत टाइम हो गया और मैं वीडियो एडिट नहीं कर पा रही हूँ. मतलब सारा यह कंटेंट रेडी है, सिर्फ यही इंट्रोडक्टरी बाकी है. सो इसीलिए मैंने अभी इसको बचा के रखा है, अब मैं इसको यूज़ कर लूँगी और इसको तो मैं डेफिनेटली वापस बाय करने वाली हूँ. नाउ समथिंग दैट आई फॉरगॉट टू टेल यू गाइज, ये सारी चीज़ें बहुत अफोर्डेबल है. आई थिंक ये सीरम्स आर ऑल्सो फॉर लाइक 400 या 200-300 रुपीज़ समथिंग. आई एम गोना पुट दैट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो या फिर मैं अपने ब्लॉग पर सारा कुछ लिख दूंगी इनके बारे में, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो. और इसके आगे मैं आपको लिस्ट तो बताने ही वाली हूँ, मैंने उनके स्क्रीन शॉट लेके रखे हैं स्टोरीज़ के, तो अगर उसमें अमाउंट मैंशन है तो आई विल टेल यू. अदरवाइज सिंपल है, आपको इनका पेज फॉलो करना है और उनको जाके आप जैसे DM करोगे इमिडिएटली लाइक 2-5 मिनट में ही वो यूजुअली रिप्लाई कर देते हैं और वो आपको सारे प्राइजेस बता देंगे. मुझे ये पता है कि इसका प्राइस 400 रुपीज़ है एंड इट इज़ अ स्टील फकिंग डील. आई एम टेलिंग यू गाइज दिस इज़ अ स्टील डील. ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट, जो ये 24-कैरेट गोल्ड है वो ऐसे यू नो इट जस्ट गिव्स योर स्किन अ नाइस शीन एंड शाइन, मतलब धूप में ना ऐसे रिफ्लेक्ट करता है, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड. फाइनली आई सैट डाउन मेड दिस वीडियो द रिव्यू वीडियो. ओ माई गॉड इट इज़ सच अ टास्क. मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है कि रिव्यू वीडियो बनाना इतना परेशानी का काम है. ओ माई गॉड यू हैव टू फर्स्ट गेट द प्रोडक्ट, गेट योर सेल्फ डेडिकेटेड कि वो आप कैसे यूज़ करने वाले हो, कहाँ यूज़ करने वाले हो, आपकी करंट स्किन केयर और मेकअप रूटीन में आप उसको कैसे इनकलकेट करने वाले हो, फिर उसके ऊपर आपको देखना है, सोचना है इससे कुछ फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, फिर आपको बीच में 2-3 दिन छोड़ देना है और फिर वापस यूज़ करना है. ओ माई गॉड इट इज़ अ टास्क. 2 महीने से मैं इसके पीछे लगी हूँ, बट आई एम थैंकफुल कि मैंने ये प्रोडक्ट को रिव्यू किया बिकॉज ये सच में वो प्रोडक्ट्स है जो मैं खुद यूज़ करती हूँ. आई एम गोइंग टू कंटिन्यू यूजिंग इट. द नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट आई एम गोइंग टू बाय फ्रॉम देम इज गोइंग टू बी ब्राइडल ग्लो सीरम. मैंने उसके बारे में काफ़ी इनके जो रिव्यूज़ होते हैं, जो ये स्टोरीज डालते हैं, उसमें मैंने कई बार देखा है कि ब्राइडल ग्लो सीरम के बारे में भी लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं, दैट इट हेल्प्स विथ एक्ने एंड ऑल. सो आई एम गोना ट्राई दैट. सो इफ़ यू वॉन्ट टू रिव्यू ऑन दैट स्पेसिफिकली लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, आई विल मेक न्यू वन फॉर यू गाइज.
So yeah, that was the whole video. I hope you liked it. Please let me know in the comments below अगर आपको ऐसे skin care videos या फिर ऐसे product review videos पसंद आते हैं. I will make more for you guys because मेरा face अभी भी clear नहीं हुआ है and I'm doing a lot of stuff. I can keep making कि ये product चल रहा है, ये product नहीं चल रहा है, ये product चल रहा है and all of that. Also please tell me ये car वाली stupidity आपको बहुत ज़्यादा stupid तो नहीं लग रही है because again as I said मुझे सिर्फ content आपके साथ share करना है. So that was about it. I will see you in my next video. Bye.